हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी का, जो कि पहले जाना जाता था आपका 8K माइल्स के नाम से, और लगभग 21 जनवरी के आसपास में इसका नाम बदल के सिक्योर क्लाउड कर दिया गया। तो आज इसी फोकस में क्यों है, मैंने इसलिए इसको रडार पे रखा है क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब निफ्टी ने अच्छा खासा डाइव किया, नीचे के गोते लगाए, तो वहाँ पे जो है सिक्योर क्लाउड ने अच्छा खासा जंप दिखाया। और ये देखिए, मैं जो चार्ट पे दिखा रहा हूँ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 18% का अप मूव इसने दिखाया और लगभग सर्किट तक जो 120 रुपये तक गया था। और इसको देखा जाए तो ये हाई पहले भी इसने 29 जनवरी, जब ये नाम चेंज करने के बाद नाम चेंज किया तब एक बार लगा था, जो कि लगभग 122 के आसपास का है। और फिर उसने वहाँ से तगड़ा जो है गिरावट दिखाया और लगभग आप देखिए यहाँ पे आपका 76 के अराउंड में इसने जो है एक 76-80 के बीच में, और देन फिर इसने जो है 85 के अराउंड में एक सपोर्ट लिया है। तो देखिए सपोर्ट जो है इनका धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ खिसक रहा है। यहाँ पर भी देखें, यहाँ 5 रुपया ऊपर गया, फिर देन आप देखिए 75, फिर 80, 85। मैं ट्रेंड को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है कि हो सकता है कि इससे नीचे फिर ना आए। अब देखा जाए कि अभी अगला जो हमें जो स्टॉप लॉस इसमें रखना होगा वो लगभग आपका 90 के आसपास यदि रखा जाए इस लेवल पे, तो इसमें एक खरीदारी की जा सकती है। इसका रीजन ये है कि इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग में वॉल्यूम टॉप गेनर था, वॉल्यूम के टॉप गेनर भी था और वॉल्यूम में भी टॉप कर रहा था ये शेयर। तो यहाँ से यदि मंडे को, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या मंडे को 120-122 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें एक अच्छा खासा मूव दिखाई दे सकता है। और ये वॉल्यूम देखा जाए अब तक का सबसे अच्छा वॉल्यूम जो है कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये देखने को मिली है। तो ये जो वॉल्यूम है ये बहुत ही इंक्रेजिंग है और इससे लगता है कि आने वाले समय में इसमें एक मूव और आ सकता है। और दूसरा इसको चूज करने का मेरा रीजन था कि इसमें यदि 1 साल का मूवमेंट दिखा जाए तो देखिए ये शेयर जो है इस लेवल से, 25 के लेवल से लगातार सर्किट में इसने जो है लगातार जो है इसने चला और यहाँ पे आके इसने 112 के आसपास जो है रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद जो है इसने जो है नीचे का ये दिखाया था और फिर यहाँ से रिकवरी भी इसने अच्छी खासी की और फिर एक हाई लगाया। यहाँ से जो है इनका टॉप कम हुआ है लेकिन इनकी गिरावट भी कम हुई है और यहाँ पर लगभग यहाँ पे सुस्ता के कुछ समय तक आराम कर रहा है और फिर इसी लेवल पे 84-85 के लेवल से ये बाउंस बैक कर रहा है। यदि हमें खरीदना होगा तो हमें लगता है कि यदि नीचे आता है तो ये 90 के आसपास मिलता है तो एक खरीदारी बन सकती है, या यहाँ से 122 के ऊपर से निकलता है क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है तो हो सकता है नेट ट्रेडिंग सेशन यदि 22 के ऊपर निकलता है तो फिर एक फ्रेश रैली इसमें आ सकती है और फिर एक स्टॉप लॉस जो होगा यही हमारा जो है लगभग 118-119 का स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं। और यदि पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहें तो यहाँ 90 के आसपास का एक हम लोग क्या कर सकते हैं स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसमें बना जा सकता है। अब इसका देख लेते हैं इसका रीजन क्या है। तो देखिए इसका पहला तो ये जो जिस फील्ड में काम करती है वो बहुत ही अच्छा फील्ड है और आने वाला समय जो है उसमें जो है इनको अच्छा खासा जो है ग्रोथ हमें दिखता है और इनको उससे जो है इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। देखिए ये काम करती है किस चीज़ में, एक तो ब्लॉकचेन क्लाउड में और इंटरप्राइज सिक्योरिटी में, डिसीजन इंजीनियरिंग में, मैनेज सर्विस, तो ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन में आपको पता है कि जो एक तरह का जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड फील्ड है। और जैसा कि आपका आप देखिए आप क्रिप्टो करेंसी देख लीजिए वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। इसमें PKI होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाता है, तो वो चीज़ें जो सिक्योरिटी से जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है बीच में। और इसमें SHA-256 कर हैशिंग 256 जो है यूज की जाती है फॉर सिक्योरिटी पर्पज। और ये देखा जाए तो इसका पोर्टफोलियो देखा जाए तो ये सिक्योरिटी में, मेनली सिक्योरिटी में, और जो है ये हेल्थ केयर सेगमेंट में भी काम कर रही है। हेल्थ केयर सेगमेंट में EHR मतलब वो आपका जो है पेशेंट का जो
डेटा है वो रखा जाता है, वो हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है, जो कि आप किसी भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को क्या होता है उसको डिसीजन लेने में और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली यूज कर पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आपका मशीन से लेके इवन आपका जो है पेशेंट को देखने का तरीका, उसको फास्ट करना, उसका प्रीवियस हिस्ट्री प्लस किस तरीके से पूरे बेड सिस्टम को मैनेज किया जाए, तो मतलब पूरा है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो आने वाला समय जो होगा वो आपको पता है कि हॉस्पिटल में या हेल्थ सेक्टर में अच्छा खासा टेक्नोलॉजिकल बूम आएगा, तो वो चीज़ें जो है इसके लिए प्रमोशिंग होगी और हो सकता है आने वाले समय में अच्छा खासा इसको गेन होगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल ऑटोमेशन में भी ये कंपनी काम करती है, तो ये सारे फील्ड जो है आने वाला फ्यूचर है। तो दैट्स वाई हमें लगता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर इसमें रखा जाए तो अच्छा खासा फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन में काम करती है जिसपे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, और इसलिए वो चीज़ें हो गई। और दूसरा हो गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट और EHR, तो वो जो है प्रोमिसिंग होगा आने वाले समय के लिए। और सिक्योरिटी में तो ये काम करती ही है, हर तरह की सिक्योरिटी जो है ये प्रोवाइड करती है। और तो ये सारी चीज़ें थी, अब हम लोग देख लेते हैं इसका थोड़ा ओवरव्यू। तो इसका जो करंट प्राइस है वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है और एंट्री पॉइंट के लिए गुड है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। और फॉरकास्ट देख लीजिए तो इसमें कोई फॉरकास्ट किसी भी एनालिस्ट का कोई राय अभी नहीं है इसमें दिखा रहा है। फिनेंशियल देख लिया जाए तो फिनेंशियल्स में देखिए FY 2021 में जो है 349 करोड़ का इन्होंने रिवेन्यू किया था, और ये रिवेन्यू जो है आने वाले समय में अच्छा खासा बढ़ सकता है, और एबिटा भी 32 का था। तो ये सब चीज़ें जो है अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा जो है उछाल देखने की ग्रोथ है, इसलिए बोल के मैं इसमें कहता हूँ कि आपको एज अ टेक्निकल बेसिस भी आप इसको पकड़ सकते हैं। यदि आप फ्यूचर बेस देखना चाहते हैं तो फ्यूचर ऑब्वियसली देखिए, आपका किसी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी का, चाहे वो इंफोसिस हो, HCL हो, KPIT हो, या कोई भी, देखिए आप लोग वो सारे शेयर जो है अच्छे खासे चल रहे हैं, उसमें डाउन ट्रेंड अभी तो नहीं आना है मुझे लगता है। यदि आता भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी किसकी, उसको एक्युमुलेट करने की। यदि इंफोसिस जैसे शेयर, HCL जैसे शेयर नीचे आते हैं तो उसमें एक्युमुलेशन किया जा सकता है। उसी तरह सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है, चूंकि का फील्ड जो है प्रोमिसिंग है और फ्यूचर है इस फील्ड का, तो ये चीज़ें भी अच्छा खासा मायने रखती है। अब इसमें देख लीजिए पीयर्स क्या, तो पीयर्स में देखिए, पीयर्स में कुछ ज़्यादा हमें देख लेते हैं फिर भी। तो पी रेशियो के हिसाब से बहुत ही महंगा है, PB भी 11.66 का है, वहाँ पर L&T या ओरेकल और टेटा फाइनेंस से भी बहुत महंगा है। बट जिस फील्ड में काम करती है उसको लेके हम लोग सोच सकते हैं एक बार एंट्री मारने के, बाकी आपका डिसीजन। और जो कि इसका जो हाई है, चूंकि हाई से इसे बहुत, यदि 5 साल का चार्ट देख लिया जाए तो 5 साल का चार्ट देख लिया जाए तो इस लेवल से इसने 1000 के लेवल से डाइव लगाया था, और आपका 2018 में इसने 55 का लो लगाया था ड्यू टू मैनेजमेंट इशू जो था, जो भी है इस प्रॉब्लम की वजह से, और ये यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और इस लेवल से यदि निकलता है तो फिर हमें जो है इसमें 200 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं आने वाले समय में। तो रिस्क बहुत कम है, देखिए रिस्क बहुत कम है। यदि रिस्क लेना है तो 90 तक आप ले दीजिए, 10 90 तक का, या आप 18-19 का रिस्क रखिए, यदि उससे नीचे आता है तो फिर निकल जाइए। तो ये शेयर जो है एक बार टेस्ट करने लायक है, देखा जा सकता है मेरी राय में। तो बाकी आप ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और अपना जो है रिसर्च करके ही कोई काम कीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।